बात किया हो। थोड़ी देर पहले अशोकजी भाई साहब एक बात कही, 19 तारीख ने लोकतंत्र रो महापर्व है, जद पहली बार अभी मंच पर बात नहीं कहनी चाहिए पर कहनी बहुत जरूरी है। जब 2014 में पहली बार गवर्नमेंट बनी तब अमेरिका के न्यूज पेपर ने लिखा, आजादी के बाद भारत में पहली भारतीय संस्कृति की सरकार बनी है। इससे ज्यादा हमारे लिए गौरव की और क्या बात हो सकती है? हो सकती है क्या गौरव की बात? एक विदेशी अखबार ने लिखा, वो भी प्रतिष्ठित, कि आजादी के बाद पहली पूर्ण बहुमत की भारतीय संस्कृति की सरकार बनी है। अब बातें चीतें हो गई 10-20 मिनट के लिए, जैसे ये लोग बता रहे थे कि भी बहुत बड़े गीतकार है, कोई गीतकार नहीं है। छोटा था, संघ की शाखा में जाता था, वहां पर जो उद्घोष लगते थे, केशव की जय जय, माधव की जय जय, उन उद्घोषों को बस संगीत में लयबद्ध कर दिया। तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं म्यूजिशियन वगैरह साथ नहीं रखता, मुझे अपने हिंदुओं के बाहुओं की ताकत को देखना है कि उनकी तालियों के साथ ये उद्घोष गाएंगे तो कैसा लगेगा। आप तैयार है भाई साहब? लागे जीवन जीवा को नहीं तैयार है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? मैं खाली स्टेज ऊपर को नहीं रहूं, सारे बीच में भी आऊंगा। आज की पवित्र भूमि है बछराज गिरी, मारे साबू जितनी मने जानकारी है राजस्थान में संद्रो सर्वप्रथम काम अरे सुचालू यो, तो दोनों हाथ ऊपर उठा, भारत माता की तो थे भी सागे जरूर दोहराया, विशेष रूप को मात्र शक्ति और युवा वर्ग को चालू करा, ताली सागे बजाता रिया थे और ताली बजाओ जना, सोच लिया के पाकिस्तानी लोग माथो आखारे बीच मायने है। एक ही नारा, एक ही माइक तो जरूरी है क्योंकि लारे तक आवाज आनी चाहिए पर जरूरत बोली थी, ताली सागे सागे बजाता रिया। चालू करा बे, और श्री गणेश हो मने गणेश जी वही गान आवे, पुकारती पुकारती मां भारती, पुकारता है कासमी पुकारती मां भारती, राम 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 राम, हर घर भगवा छाएगा, राम राज भी आएगा, एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम, किसी का नीला किसी का पीला किसी का झंडा लाल, किस मन में को रोक सके तो कौन माई का लाल, किसी का नीला किसी का पीला का झंडा लाल, इस भगवे को रोक सके
मथुरा अयोध्या काशी और प्रयागराज गया सो भी भाई साहब मोटरसाइकिल में थे 1700 किलोमीटर की दूरी तय करी। जब अयोध्या री गलियां माने घूम रहे हो तो मन में एक ही सुकून हो के जिकी अयोध्या री गलियां माने पी टाइम सरकार कार सेवका पर गोलियां चलाई पाई पुलिस बड़े राम मंदिर और रस्तों बता रही थी इसु ज्यादा मन में प्रसन्नता की भी हो सके। हर घर भगवान छाएगा राम राज भी आएगा। हर घर भगवान छाएगा राम राज भी आएगा। एक कही नारा एक कही नारा जय श्री राम जय श्री राम। तापर तेरी छाती पर कब्र से उठ कर देख ले मंदिर वही बनाया है। एक मीडिया ने फोन आया दिल्ली हूँ लाडली धर्म यात्रा पर मैंने क्यों आप ये वैमनस्य के भाव पैदा क्यों कर रहे हैं। मैं जो भिकाई हो के जिका से नारा दे रही हो के बाबर का पत्थर हमारे किस काम का मंदिर बनेगा रघुपति श्री राम का। मैं माने गलत कही है के नहीं नहीं इससे आप गलत कर रहे हो। मैं को बाबर थारो काको लागे महिला पत्रकारी मैंने पूछा बाबर तुम्हारा अंकल लगता है क्या। आपकी कसम मनीष जी वापस कोई जवाब नहीं आया। अंत में उसने बोला चलो भैया रखती हूँ जय श्री राम। अरे भाई बाबर एक आक्रांता था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय के जो शिक्षा के रणनीतिकार थे हमें अकबर और बाबर महान बताया। हमें नहीं पढ़ाया गया हमारे महाराणा प्रताप को। हमें नहीं पढ़ाया गया हमारे पृथ्वीराज चौहान को। हमें उन खड्डों में पूरे हुए भक्तियों के बारे में पढ़ाया गया। हमें आज तक पता नहीं है कि वहां पर है कौन। बस हरी चादर चढ़ा देते हैं और ये फलान जी है ए फलान जी हाँ कौन आज नहीं समझ आई कोनी। भाई साहब बीकानेर में आप फोर्ट स्कूल पर नई रोड बनी ये प्रत्यक्ष दर्शी गवाह थो। मैंने देखा उस रोड का उद्घाटन होते हुए वो मठ के अंदर से निकली एक महीने बाद बड़ी भी यारी पूजा चालू होगी। अरे मैं तो कई बात है थारा पूर्वज मंदिर में और समाधि ले ला गया कहीं उन लोगों की बात समझ नहीं आती। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा था दोनों हाथों में तेल लगाकर तिल की बोरियों में डालो और जितने तिल हाथ पर लगे उतनी बार वो आपसे कहे कि मैं आपका भाई हूं पर हमें नहीं मानना क्योंकि वो भाई नहीं कसाई है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं। भारत में इसको कोई प्रधान सेवक करते जिको चंदन रो त्रिपुंड माथे पर लगार कहनी द्वारकारा दर्शन करे कहनी काशी विश्वनाथ से बैठो रहे विपक्ष तो भी माइन अड़ूजड़ो बैठो है के कौन सी बड़ी बात है। गैस रो सिलेंडर लगारी तो नीचे गया तर पत्रकार कियो तो 200 मीटर 500 मीटर नीचे गैस रो सिलेंडर फेल हो जावे जने गैस रो मीटर को नहीं चाहिए काल जो वो काल जो खाली हिंदू आठे हो सके। हमें पढ़ाया यही गया था भाई साहब जितने भी गीत बने मंदिर गिरता फिर बन जाता दिल को कौन संभाले। अरे भाई मंदिर ही मंदिर थोड़ी पड़े मस्जिद भी पड़े 1992 में सगला देखी है देखी या देखी कौन ही। अरे अयोध्या तो झाकी है काशी अरे अयोध्या तो झाकी है काशी मथुरा बाकी है। जिका लोग बाण में कार सेवा नहीं देखी हो बिहारो दुर्भाग्य है कि मथुरा काशी खातिर भी आपा लोग कार सेवा को नहीं देख सका। सुबह जब उठसा तो सुप्रीम कोर्ट आदेश साइड होसी के हिंदू के पक्ष में फैसला दिया यहाँ पर कृष्ण लला बिराजेंगे और वहां पर महाकाल बिराजेंगे। अगले दिन अखबार में न्यूज आवेली सीधी के यहाँ पर कृष्ण लला बिराजेंगे और यहाँ पर एक इंटरव्यू देख रहे हो भाई सब बहुत जोरदार हो मर्यादा में थे पुरुषोत्तम
500 साल आ गया, मर्यादा में थे पुरुषोत्तम है। अब कृष्ण लला गीताधारी जी को महाभारत रचियो में तो मेरी बारी है, अब चिंता री जरूरत कोने, और काशी में भोले का तांडव देखेगी दुनिया सारी। अबे जरूरत कोनी, मर्यादा में राम था ना, तो कृष्ण मर्यादा में है और ना ही महाकाल मर्यादा में है। भारत माता की सौ वर्षों की कड़ी तपस्या, सौ वर्ष की न हो नाला है, सौ वर्ष की न हो नाला है के सौ वर्षों की कड़ी तपस्या अब फेनत रंग लाई है। केशव माधव की प्रेरणा पूरे जग में छाई है, केशव माधव की प्रेरणा पूरे जग में छाई है। नमक पारे वादे लाग रियो है के पुरुष तो कितनी संख्या लाव में कह सकू गोली, पर मात्र शक्ति सुबह रोटी भी बनावे गोली, चाय भी भावे गोली, सबू पहली तैयार मिलसी खाने। तो आपा ने मात्र शक्ति रो सहयोग करनो है और यहाँ पर आया हुआ हर एक हिंदू ये प्रतिज्ञा कर ले मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। थारो नाम तो बोलो बड़सी बाबू, आप आपरो नाम भी बोलो, गोत्र बोलो दिया। मैं वेद व्यास दिलीप कुमार योगी हाले, थारो नाम बोल रहे मैं वेद व्यास दिलीप कुमार योगी यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ, 500 सालों के बाद जो कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ और पहली ऐसी राम नवमी आ रही है, इसमें हमारे राम लला अयोध्या में विराजित है, तो कल राम नवमी के उपलक्ष्य पर धर्म यात्रा, शोभा यात्रा, कलश यात्रा, जो भी नाम दिया है, जो यात्रा निकलेगी मैं अपने साथ हाथ ढीलावन ला गया, सीधा करो भाई, मैं अपने साथ 10 व्यक्तियों को लेकर आऊंगा। आज ये सौगन दूठी हुई नहीं तो हाथ ऊपर ही रह जाएगा। ई खातिर अड़ोस पड़ोस भाई बहन जिला परलोड है, धर्म पत्नी ने कहवे सास ने कहवावे, काल भाई साहब की हो जो मछरा जी स्टेडियम में हालांकि रस्तों ध्यान को ली, मैं तो इतना ही कहना चाहूँ पूरे नीड ऑफ तेरी फोटो काल और राजस्थान पत्रिका और भास्कर में छपनी चाहिए कि राजस्थान की सबसे बड़ी यात्रा पक्की बात एकदम यहाँ नहीं वे के थारे खातिर में रात ने 180 किलोमीटर चाल रहे हूँ और वापस 180 किलोमीटर जानो है और काली मने वैसा वापस जैसलमेर भी जानो है, बड़े भी कार्यक्रम है, आप लोग बात रखोगे पक्की बात एकदम ठीक है। बे नयो गीत जी को बिना हल्की हल्की ताली सागे वापस दोहरान करिया। अरे